दोस्तों, आँख रोग से संबंधित चौथे वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यह वीडियो बनाने में कुछ विलंब हो गया। दोस्तों, जीवन यात्राओं में आने वाली झंझावात से कभी कभी कुछ कार्यों में स्वभावगत देर हो जाती है। दोस्तों, मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं सीधी सरल सहज शब्दों में मैं बीमारी का लक्षण बताऊं और आपको उसके संबंधित दवा बताऊं, ताकि आप जो है जो सही दवा का चुनाव कर सकें। दोस्तों, मानव का ये स्वभाव होता है कि उसके जीवन का अधिक मूल्यवान से मूल्यवान, जिसके बिना वह नहीं रह सकता, वह वस्तु भी अगर उसे बिल्कुल सहज एकदम सरल अगर उसे उपलब्ध हो जाए तो उसका मूल्य कम आ। आप सभी दोस्तों से यह निवेदन है कि इस वीडियो को उपयोगी समझकर आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आइए अब बीमारी पर आते हैं कि दोस्तों, किसी रोगी का, जो भी रोगी हो, अगर एकाएक दृष्टि लोप हो जाता हो, दृष्टि शक्ति का लोप हो जाता हो और सुबह सुबह उसके आँख से ठंडा पानी गिरता हो और इस तरह का लक्षण किसी रोगी में अगर दिखाई दे कि एकाएक मतलब दृष्टि लोप हो जाता हो, दिखना बंद हो जाता हो, सुबह से उसकी आंखों से ठंडा पानी आंसू गिरता हो, अगर इतना सा भी दो लक्षण उसको मिले, आप क्या करेंगे? सीपीआर 200 ले आए और सीपीआर 200 ले ला करके उसे सुबह शाम दें। अगर कुछ दिनों तक देंगे तो देखेंगे ये एकाएक दृष्टि लोप होने का, उसके आंखों से आंसू गिरने का ये लक्षण, ये परेशानी है, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी रोगी की आंखें पक्षाघात की तरह हो जाए, अनुभव हो कि उसकी दृष्टि मतलब वक्र हो रहा है, उन्हें तिरछा देख रहा है, यानी वह रोगी जो है डेरा देखता है और उसका दृष्टि भी द्वित दृष्टि हो जाता है। द्वित दृष्टि का मतलब वह दो वस्तु को देखता है और उसका ये पटल जो होता है, उसका चित्र पटल जो होता है वह खाकी रंग का या दाग दगीला जैसा हो जाए और उसकी दृष्टि में धुंध भी आने लगे, धुंध जैसा दिखता हो, यानी पक्षाघात में जैसा एक लक्षण है कि धुंध जैसा दिखते हो और उसके बाद जो है उसकी पलक जो है तो हमेशा गिरा हुआ रहता है, पलक उठाने में उसे बहुत परेशानी होती है, उसकी किनिका में जो है वह जख्मी हो जाता है, खुंसी भी होता है और उसमें जो है सो बहुत अधिक दर्द भी रहता है, जलन भी रहता है और ये सब जो है सो अधिकतर बाएं आँख में अगर हो जाता हो, ये सब लक्षण रहने पर आप क्या करेंगे? शिफलिनम 1000 पावर का आप ले आए और 1000 पावर आने के बाद उसे तीन खुराक, आधे आधे घंटे पर दो दो बूंद तीन खुराक दे दें और इंतजार करें। देखें कि जब तक उसका बीमारी बढ़ रहा है या घट रहा है, घटना शुरू हुआ, आराम होना शुरू हुआ, तो आप उसे तब जब तक आराम होता रहे तब तक इंतजार करते रहे। जब देखें कि बीमारी रुक गया, अब इससे ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है, परेशानी ज्यों की त्यों है, तो फिर क्या करें? सिप्लिनम 1000 पावर का फिर तीन खुराक ले लें। इस तरह से अगर कुछ दिनों तक लगातार अगर खाएंगे तो आपका ये परेशानी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आँख के रोग जो घूरती रहती है ना, बार बार मैंने फिर लौट कर आती रहती है और आपेक्षिक भाव से आंख थोड़ी खुली भी रहती है, मैंने आंख खुला रहो मैंने खुली भी रहती है और उसका विशेषकर दाहिने आंख में ये सब परेशानी हो, दाहिने आंख में इसमें तेज दर्द भी हो, आंख में कांटा गिरने का या बालू रहने की तरह अनुभव होता हो, आंख में खुजली हो, आंख में जलन हो और ये सब दाहिने आंख में अधिक हो, अगर इस तरह का लक्षण आप को अगर मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? टेरेंटुला हिस्पानिया 200, आप टेरेंटुला हिस्पानिया 200 ले आए और उसे सुबह शाम दो दो बूंद दें। अगर कुछ दिनों तक लगातार देंगे ना तो इस तरह की परेशानी है वह धीरे धीरे दोस्तों, अब जो मैं दवा बताया जा रहा हूँ वह आंख के रोगों में स्नायिक लक्षणों को बहुत ठीक आराम करता है, बहुत जल्दी आराम करता है। जो स्नायु से, नसों से, आंख में जितने भी नस हैं उससे संबंधित अगर रोग है तो
उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। इसमें क्या होता है, इस दवा में आंख बंद रहने पर भी आंखों के आगे जो है तो झिलमिलाहट मालूम होती है। आंख बंद किए हुए, आंख हमारी बंद है, लेकिन उसके बाद भी लगता है आंख के आगे झिलमिलाहट, मानो आंख के सामने पर्दा पड़ गया और सब वस्तु दो या वस्तु दो दिखाई देता है, एक वस्तु नहीं दिखाई देती, द्वित दृष्टि इसमें भी रहती है और रोशनी सहन नहीं होता। रोशनी इसको किसी प्रकार का रोशनी है यह बर्दाश्त नहीं होता, रोशनी से यह परेशान हो जाता है, आंख फड़कता भी है और आंख के पीछे दबाव की तरह दर्द होता है और आंख बंद करने पर मिचली और बमन का अनुभव होता है। पर मैंने वायलेंट पिकुलियर लक्षण है कि आंख बंद करने पर अगर मिचली और बमन का अगर लक्षण होता हो, अगर ये सब लक्षण है तो थेरेडियन 200, आप थेरेडियन 200 ले आए और उसे सुबह शाम दें। अगर ये लगातार कुछ दिन तक देंगे तो देखेंगे ये परेशानी जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दोस्तों, अगर कोई सिफिलिस का रोगी हो और उसे आंखों में जलन होता हो, आंख के भीतर का रंग लाल हो, आंख से पानी गिरता हो, इसके अलावा आंख के भीतर की पलकों में अवरुद्ध यानी छोटा फुंसी जैसा हो, मस्से हो और उसे दिन में भी अंधेरा दिखाई पड़ता हो, अगर इस तरह का लक्षण हो तो आप थूजा 200 ले आए और थूजा 200 ले आ करके उसे देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे उसकी जो ये परेशानी है धीरे धीरे ठीक हो रही है, वह कुछ दिन तक देंगे वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आंख में वहशत भरी दृष्टि, अंधेरे में आंखों के सामने आग की चिंगारियां दिखाई देता हो, अंधेरे में भी आंख के सामने चिंगारियां दिखाई देता हो, सवेरे आंख में जो है वह दबाव हो, दर्द हो, ध्यान देंगे आंख की दृष्टि इस समय जो बहुत तेज हो गई है, यानी और सब बीमारी में आंख की दृष्टि कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस रोग इस रोग में अगर आंख की दृष्टि तेज हो गई हो और ज्यादा बढ़िया दिखाई देता हो, तो इस तरह का लक्षण अगर हम आपको मिल रहा है तो आपको वैलेरियन, आप वैलेरियन 200 ले आए और उसे सुबह शाम आप दें। अगर कुछ दिनों तक देंगे तो देखेंगे यह रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दोस्तों, शरीर के अन्य स्थानों पर खींचन या तनाव का अभाव, दूसरे स्थान पर आंख में नहीं दूसरे स्थान पर हो, यह खींचन और तनाव का अभाव अगर आंख में भी अनुभव होता है, आंख में इस तरह का खींचन का अभाव अगर अनुभव हो, मानो हमारी दृष्टि जो है इतना खींचन होता है कि वक्र हो जाएगी, वक्र है नहीं लेकिन हमको अनुभव होता है कि हम इतना खींचन है कि वक्र हो जाएगी, और पेशियों में खींचन हो, गर्दन में भी पीछे की ओर खींचन हो, साथ ही आंख के लक्षणों में एक विचित्र प्रकार का मोटापन या धुंधलापन चक्षु श्वेत पटल में प्राप्त होता हो, चक्षु श्वेत पटल है उसमें आंख में मोटापन अगर प्राप्त हो जिसे श्राव होता हो, और ये पलकों में जो मोटापन हो वह कष्टदायक हो जाता हो, आंख के पलक भीतर की ओर या बाहर की ओर उलट जाता हो जिससे वरुणिया चक्षु गोलक के ऊपर या नीचे आए, जैसे वरुणिया जो है वह चक्षु गोलक के ऊपर या नीचे आ जाती है, आंख से पलट जाएगा, ये तो इस तरह का स्वभावगत हो ही जाएगा। इस समय आंख से बहुत ज्यादा आंसू बहता हो, आंख में पर्दा हो, आंख में जलन रहता हो और लाली बहुत अधिक हो, रोशनी तो बिल्कुल सहन नहीं होता, किसी प्रकार की रोशनी उसे सहन नहीं होता। अगर इस तरह का बीमारी अगर हो तो आप क्या करेंगे, जिंकम मेटालिकम 200, आप जिंकम मेटालिकम 200 ले आए और उसे सुबह शाम तक कुछ दिनों तक लगातार दें। अगर कुछ दिनों तक लगातार देंगे तो देखेंगे आपका ये जो बीमारी है, ये जो लक्षण है धीरे धीरे। दोस्तों, जब आंख में बली निकल आती है, बली निकलने का मतलब होता है कि बढ़ी हुई रक्त वाहिनियां आंखों में है वो बढ़ी हुई हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, आंख बहुत लाल रहती है इस समय में, आंख से आंसू निकलता है, आंखों के गोले में जलन हो जाता है और सब नस दिखाई पड़ता है। जब ये आंख का बली भरा हुआ रहेगा, इसके नस बल हुए रहेंगे, आंख के नस जो लगता है वह दिखाई पड़ता है। अगर इस तरह का रक्त बढ़ जाता हो आंखों में, चक्षु गोलक में टपक या लगातार यंत्रणा की तरह दर्द जैसे बना रहता हो, आंख में धक्का देने की तरह तेज दर्द भी रहता हो, अगर इस तरह का लक्षण हो तो आप क्या करेंगे, आप हिस्टुलियस हिपोकेस्टेनम
आप स्कूलियस हिपोकेस्टिनम 200 ले आए और इसे सुबह शाम दें। अगर कुछ दिनों तक लगातार स्कूलियस हिपोकेस्टिनम देंगे तो ये लक्षण है वह धीरे धीरे। दोस्तों, जब आँख से बहुत ज्यादा काम किया जाता है और विभिन्न प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाता है, जैसे दृष्टि धुंधली हो जाती हो, पलक और आँख पुतली जो है वह कांपती हो, थरकती हो, आँख में अकड़न हो, आँख में खींचन की तरह अगर अनुभव होता हो, अगर इस तरह का लक्षण अगर प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे? आप एगारिकस मस्केरियस 200 ले आए और उसे सुबह शाम कुछ दिनों तक दें। अगर कुछ दिनों तक ये देंगे ना तो आपका ये परेशानी है धीरे धीरे। दोस्तों, कोई अगर रोगी सूर्य की रोशनी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, उसे आंख में बहुत दर्द रहता है, वह आंख को छूने नहीं देता है, आंख बंद रखने पर भी भयानक दर्द होता है, अगर आंख बंद रखता है तो भी उसमें दर्द होता है, अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए तो आप सेलेसिया सिलिका आप 30 ले आए और उसे सुबह शाम तो दो बूंदें इस तरह से अगर कुछ दिनों तक देंगे ना तो उसका यह लक्षण जो है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी रोगी को सूर्य उदय के बाद कम दिखाई देता है, फिर शाम होते ही ठीक से दिखाई पड़ता है। कुछ रोगी ऐसे मिलेंगे आपको जब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य की रोशनी में उसे दिखना कम हो जाएगा, और जब सूर्य की रोशनी जब खत्म हो जाएगा तब शाम होने पर उसे अधिक दिखेगा, और आँख से अगर कहीं भी रक्त शराब होता हो, अगर इस तरह का लक्षण हो तो ब्रॉप्थस जो है वह 200 आप ले आए और इसे सुबह शाम आपको इतने तक दें। अगर ये देंगे ना तो धीरे धीरे आपका ये लक्षण है, ये परेशानी है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप जो है जितने भी वीडियो में बात बताया गया है वो आप इसको ध्यान से देखेंगे और आप ध्यान से इसके लक्षण को आप परखेंगे। अगर इस तरह का लक्षण आपके आंखों में अगर दिखाई पड़ता है कि इस तरह का लक्षण है तो आप दवा आप ले आए और दवा दें। आप दवा लाने के लिए जाएं, मैं बार बार बताता हूँ कि आपको परेशानी है लेकिन आप जाएं दवा लाने के लिए, आप खोजेंगे कि नहीं केवल जर्मनी का ही दवा चाहिए तो इससे और आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए जिस दुकान में जाएं आप इस पर विश्वास करें और विश्वास करके जो भी दवा जिस कंपनी का दवा मिलता हो उस कंपनी का बताया गया दवा जो है आप उसके नाम बताएं और वह दवा लेकर के उस आदमी को उस रोगी को आप खिलाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। नहीं अगर जर्मनी के नाम से अगर आप रुके रहेंगे कहेंगे आज नहीं कल तो यह होगा कि जितना दिन आप रुकेंगे उतना परेशानी बढ़ेगी, उतना बीमारी बढ़ेगा, परेशानी बढ़ने से बीमारी बढ़ने से वह और लंबा खींचते चल जाता है। इसलिए आप नाम पर ना जाएं, आप जाएं सब कंपनी जो है अपना दवा निकालता है, कुछ सोच समझ के निकालता है, बिल्कुल सत्यता कुछ न कुछ सत्यता रहती है दवा में, दवा रहता है। केवल हम लोगों का हमको इतना ही विश्वास है कि दवा का चुनाव अगर सही हो जाए ना तो किसी कंपनी का दवा हो वह काम करेगा, नहीं अगर जर्मनी का या स्वीएल का या और किसी अच्छे कंपनी का अगर दवा जो अच्छी कंपनी पेटेंट कंपनी उसकी दवा मिल जाती है तो आप ले सकते हैं, चला सकते हैं, किसी प्रकार का कोई हमें दिक्कत नहीं। मेरा यही आशा है कि आप वीडियो देख करके और सही ढंग से दवा का चुनाव करेंगे और रोगी को देंगे, निश्चित रूप से आपका रोगी ठीक होगा। धन्यवाद, नमस्कार।